नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के प्रगति मैदान में और आज ट्रेड फेयर का इनॉग्रेशन है। यहाँ पे 14 नवंबर की तारीख है और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ग्लोब कैपिटल के चेयरमैन अशोक अग्रवाल जी। अशोक अग्रवाल जी, स्वागत आपका मार्केट एम सी वी। थैंक यू मिस्टर अभिषेक। अशोक जी, जैसे ही आज हमने देखा कि सेबी के चेयरमैन ने खुद यहाँ पे आके इनॉग्रेशन भी किया और अपनी स्पीच भी दी है, हम आपसे जानना चाहेंगे उन्होंने इन्वेस्टर्स को ऐसी कौन सी टिप्स दी हैं जो इन्वेस्टर्स को अपने ध्यान में रखनी चाहिए और जो अपकमिंग इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब यंग जनरेशन भी इन्वेस्टिंग में ट्रेडिंग में अट्रैक्ट हो रही है, तो उन्होंने ऐसी कौन सी टिप्स दी हैं जो आगे जाके सबको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे बड़ी जो उन्होंने टिप दी है कि शेयर मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो टिप्स के बेस पर इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्ट कंपनी के फंडामेंटल और कंपनी के मैनेजमेंट को देख के करें और लॉन्ग टर्म के लिए करें। मार्केट में जो आदमी स्पेकुलेशन करता है 99% चांसेस होते हैं कि उसको प्रॉफिट नहीं आएगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है उसको प्रॉफिट आएगा। अशोक जी, स्पेकुलेशन हमने काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी बाज़ार में भी देखी है, स्पेशली हमने देखा ग्वार चना बैन हुआ NCDX पे, सरसों बैन हुई स्पेकुलेशन के चलते। आपको क्या लगता है, क्या अगर ऐसी स्पेकुलेशन रहा तो क्या और भी कम्युनिटीज़ पर कोई चांसेस है कि कुछ डिसीजंस लिए जाएं? देखिए, जहाँ तक शेयर मार्केट है वहाँ पर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको प्रॉफिट आता है, लेकिन कमोडिटी बाज़ार अलग है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और ख़ासकर एग्री कमोडिटीज़ में देर इज़ नथिंग लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बिकॉज अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया तो उस एग्री कमोडिटी की प्राइस जीरो हो जाएगी। यहाँ तो आइदर यू यूज़ कमोडिटी मार्केट एज ए हेजिंग मैकेनिज्म, या आप अगर ट्रेड के अंदर हैं और आपको कमोडिटी की ज़रूरत है, मान लीजिए आपका रॉ मटेरियल है ग्वार, तो आप जहाँ पर जिस पीरियड के अंदर आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है आप उस पीरियड का फ्यूचर या ऑप्शन खरीद सकते हैं, या अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपने ग्वार खरीद लिया जिस पीरियड में आपको एक्सपोर्ट करना है और आपको उस टाइम पे डिलीवरी मिल जाएगी, या आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो आपने ग्वार को फ्यूचर बेच दिया जिस पीरियड में आपको प्रोडक्शन करके डिलीवरी करनी है, तो आपकी प्राइस रिस्क एलिमिनेट हो जाती है और जो मार्केट वोलेटाइल है उस वोलेटिलिटी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपको कमोडिटी मार्केट को स्मार्टली यूज़ करना पड़ेगा, अगर आप स्मार्टली यूज़ करते हैं तो कमोडिटी मार्केट आपके लिए एक बहुत पेइंग और अट्रैक्टिव प्रपोजिशन है। अशोक जी, हमने देखा है कि चाहे कमोडिटी मार्केट हो या इक्विटी मार्केट, वोलेटिलिटी दोनों में इस समय काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। एग्री कम्युनिटीज़, नॉन एग्री कम्युनिटीज़, इक्विटी मार्केट, सारी मार्केट्स उछलती हुई नज़र आ रही हैं और हमने इक्विटी मार्केट में रिसेंट हाइज भी लगते हुए देखे हैं। आपको क्या लगता है, साल 2021 के अंत तक क्या इक्विटी मार्केट में नए रिसेंट हाइज फिर से देखने को मिल पाएंगे? देखिए, कमोडिटी मार्केट हो या स्टॉक मार्केट हो, ये बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी है। हमारी इकोनॉमी वोलेटाइल रही है, कोरोना के कारण एकदम लॉकडाउन हो गया था तो इकोनॉमी एकदम डाउन चली गई थी। दूसरा क्या है कि आपकी मार्केट में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो जो रिस्क फ्री रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी कम हो गई है, बिकॉज एक तो ये है कि मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी काफ़ी बढ़ गई है, दूसरा बैंक के अंदर जो रेगुलेटर है RBI है या ग्लोबली 30% ऑफ द मनी ग्लोबली इज़ हैविंग नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे टाइम पे अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट इज़ ए वेरी अट्रैक्टिव अल्टरनेटिव। सो अगर आप मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इंडिया जैसी कंट्री के अंदर आप अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए लॉन्ग टर्म बहुत रिवार्डिंग होगा। अशोक जी, आपसे आखिरी सवाल रहेगा, आपकी तरफ से ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को क्या टिप रहेगी जो अच्छा प्रॉफिट दिलवा पाए? देखिए, इन्वेस्टर को टिप रहेगी कि किसी टिप पे विश्वास ना करें और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म करें, कंपनी के फंडामेंटल देख के करें। आप जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो यू आर ए पार्टनर इन दैट कंपनी, तो एज ए पार्टनर आपको असेस करना है कि ये बिज़नेस आज के दिन जिस वैल्यू पे मैं ख़रीद रहा हूँ वो वैल्यू अट्रैक्टिव है या नहीं है। तो अगर अट्रैक्टिव है तभी इन्वेस्टमेंट करें। और कमोडिटी मार्केट, जैसे मैंने बताया, कमोडिटी मार्केट में कुछ एसेट क्लास है जैसे गोल्ड सिल्वर जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, बाकी एसेट क्लासों आपको यू आइदर यू आर ए ट्रेडर और यू आर ए हेजर और यू आर ए स्पेकुलेटर, तो आपको उसी तरीके से यूज़ करना है। अशोक जी, हमने देखा पहले लोग सिर्फ गोल्ड में फिजिकली ही
इन्वेस्ट करते थे कि आज हमने सोना लेके रख लिया, ज्वेलरी लेके रख ली और घर में रख ली, अगले साल दो साल बाद या शादी ब्याह में जब कीमतें बढ़ी या इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ी तो लोग निकालते थे। लेकिन अब देखें कि गोल्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी ट्रेडिंग होता है और रिसेंट में सिल्वर की भी ETF आ गई है। आपको क्या लगता है, क्या ऑनलाइन ट्रेडिंग गोल्ड और सिल्वर की फिजिकल गोल्ड ट्रेडिंग से ज़्यादा बढ़ गई है और क्या वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है? बिल्कुल, ऑनलाइन ट्रेडिंग गोल्ड और सिल्वर की फिजिकल ट्रेडिंग से ज़्यादा फायदेमंद है और ज़्यादा प्रैक्टिकल है। क्योंकि देखिए, अगर आपने फिजिकल गोल्ड रखा तो सिक्योरिटी रिस्क है, आपको उसको कैरिंग कॉस्ट भी करनी पड़ेगी, अपने घर में रखते हैं तो आपको चोरी का डर है, और अगर आपने डिजिटल रखा तो आपने फ्यूचर खरीद लिया, आपको एक साल बाद यू हैव टू मैरी योर डॉटर, आपने को गोल्ड ज्वेलरी की यूज़ है, आपने एक साल बाद का फ्यूचर खरीद लिया, देन यू आर सिक्योर्ड कि आपको एक साल बाद उस पर्टिकुलर प्राइस पे गोल्ड मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए आज के दिन गोल्ड के प्राइसेस गिरे हुए हैं तो आपका रिस्क ख़त्म हो गया, आपने ऑप्शन खरीद लिया, मान लीजिए एक साल के बाद का आपने गोल्ड का ऑप्शन खरीद लिया, ऑप्शन में आपको ये फ़ायदा है कि अगर प्राइस बढ़ते हैं तो आपका प्राइस सिक्योर्ड हो गया, और प्राइस गिरते हैं तो आपका ऑप्शन प्रीमियम चला गया और आप सस्ते रेट के ऊपर गोल्ड खरीद सकते हैं। तो यू कैन यूज़ द ऑनलाइन मार्केट स्मार्टली एंड मेक ए गुड इन्वेस्टमेंट एंड सेव मनी एंड अर्न गुड रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक अग्रवाल जी, हमें जानकारी देने की।